हेलो बच्चों, मैं अनिल रावत, लेक्चरर बायोलॉजी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलंगपुर फरीदाबाद, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं शिक्षा विभाग के इस लाइव टेलीकास्ट में। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12th का चैप्टर नंबर 6, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस लेक्चर के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये लेसन पढ़ने के बाद क्या क्या चीज़ें हमें क्लियर होंगी। सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, डबल हेलिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ये टॉपिक्स हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बच्चों, जेनेटिक मटेरियल की जो खोज हुई, कैसे हुई, कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो जेनेटिक मटेरियल उस सब्सटेंस को, उस केमिकल को कहते हैं जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करे, नंबर वन, उसको एक्सप्रेस करे, थर्ड, उसको इनहेरिट करे। तीन चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, एक्सप्रेस करना और इन्फॉर्मेशन को इनहेरिट करना, उसे कहेंगे जेनेटिक मटेरियल। तो देखिए, आपने इससे पहले लेसन में मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हमने पढ़ा था। तो उस लेसन में मेंडल ने बताया कि करेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, बट एक्चुअली क्या चीज़ होती है जो करेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाती है, ये चीज़ उस समय क्लियर नहीं थी। तो सबसे पहले मेंडल ने दिया प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उसने बताया कि कुछ फैक्टर होते हैं और वो फैक्टर क्या करते हैं, नाम दिया फैक्टर, और ये फैक्टर क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाते हैं। बट केमिकल नेचर क्या है उनका, उसके बारे में मेंडल ने कुछ नहीं बताया। नेक्स्ट देखिए, मिक्सचर जो साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को डीएनए से आइसोलेट किया और उसका नाम दिया न्यूक्लिन। एफ मिक्सचर ने न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया और नाम दिया उसको न्यूक्लिन, बट केमिकल नेचर क्या है उसका, उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। अल्टमैन ने पाया कि जो केमिकल है वो एसिडिक करेक्टर का है, उसका करेक्टर एसिडिक है, तो उसने उसका नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड। तो अल्टमैन ने नेम दिया न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद सटन एंड बोवेरी, दो वैज्ञानिक थे सटन एंड बोवेरी, उन दोनों ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। उन्होंने बताया जो इनहेरिटेंस होता है वो किसकी वजह से होता है, वो क्रोमोसोम की वजह से होता है। पर क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, क्या मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है, ये भी स्टन एंड बोवेरी ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो देखिए, लगभग 100 साल तक मेंडल के वर्क के बाद ये क्लियर नहीं हो पाया कि जेनेटिक मटेरियल जो है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है। यही इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कि जो इनहेरिटेंस होता है उसका मॉलिक्यूलर बेस क्या होता है, कौन सा केमिकल होता है जिसकी वजह से इनहेरिटेंस होती है। देखिए, सबसे पहले यह देखने के लिए कि कौन सा केमिकल होता है जो इनहेरिटेंस करता है या करेक्टर्स को लेके जाता है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया
ग्रिफिथ ने और ये एक्सपेरिमेंट किया 1928 ग्रिफिथ इन ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो कि एक बैक्टीरिया होता है जो कि निमोनिया की बीमारी को करता है, विटनेस ए मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन ए बैक्टीरिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया हैड चेंज इन फिजिकल फॉर्म। देखिए उनके एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ जो डॉक्टर ग्रिफिथ ने किया, उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया था जिसके दो स्ट्रेन होते हैं, दो टाइप होते हैं, एक टाइप होता है ये इसको कहते हैं आर टाइप, आर टाइप का जो बैक्टीरिया होता है, और दूसरा स्ट्रेन जो होता है वो होता है एस टाइप, एस टाइप। ओ टाइप का जो ये बैक्टीरिया होता है आर टाइप का, ये बैक्टीरिया इसका सरफेस जो होता है सेल वॉल का वो काफी रफ होता है, जबकि एस टाइप का जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो सेल वॉल होती है वो स्मूथ होती है, क्योंकि उस सेल वॉल के बाहर म्यूकस की एक लेयर होती है जो उसकी अपीयरेंस को स्मूथ बनाती है। तो बच्चों ये आर टाइप का जो बैक्टीरिया था ये नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया था, नॉन वायरुलेंट का मतलब होता है ये बैक्टीरिया बीमारी कॉज नहीं करता था, निमोनिया कॉज नहीं करता था, जबकि जो एस टाइप का बैक्टीरिया था ये वायरुलेंट टाइप का बैक्टीरिया था, इस बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया की बीमारी होती थी। अपने एक्सपेरिमेंट में डॉक्टर ग्रिफिथ ने पाया कि ये बीमारी ना करने वाला स्ट्रेन आर टाइप स्ट्रेन एस टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसलिए इस प्रिंसिपल का नाम है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब चीज क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने देखते हैं, देखिए ये एक्सपेरिमेंट है जो डॉक्टर ग्रिफिथ ने किया। सबसे पहले क्या किया उन्होंने, ये बैक्टीरिया है एस टाइप, स्मूथ सरफेस है, इसको इंजेक्शन किया एक माउस के अंदर और पाया कि माउस के अंदर निमोनिया की बीमारी हो गई है और माउस मर गया निमोनिया के कारण। जब इसके टिश्यू से सैंपल निकाल के कल्चर किया तो इसके टिश्यू में एस टाइप जो बैक्टीरिया था, स्मूथ टाइप जो बैक्टीरिया था, उसकी कॉलोनीज आइसोलेट हुई या कल्चर में कॉलोनीज पैदा हुई। तो एस टाइप के बैक्टीरिया ने डिजीज कॉज की। अब देखिए सेकंड क्या किया उसने, आर टाइप का जो बैक्टीरिया था जो कि अपीयरेंस में रफ होता है, अगर उसका इंजेक्शन किया माउस के अंदर तो माउस हेल्दी मिला, माउस के अंदर कोई भी बीमारी निमोनिया की नहीं मिली। उसके बाद जब इसकी टिश्यू से लेके सैंपल लेके कल्चर किया गया तो पाया कि सारे के सारे जो टिश्यू हैं उसमें आर टाइप का बैक्टीरिया प्रेजेंट है। थर्ड क्या किया उसने, थर्ड एक्सपेरिमेंट में डॉक्टर ने क्या किया, जो एस टाइप का बैक्टीरिया था उसको हीट किल्ड कर दिया। मतलब कि सपोज करिए टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर एस टाइप का बैक्टीरिया है, इसको हीट देके किल कर दिया, हीट किल्ड बैक्टीरिया। इसका इंजेक्शन किया माउस के अंदर जो हेल्दी माउस था, उन्होंने पाया इस इंजेक्शन के बाद भी हाउ जो माउस था वो हेल्दी रहा, उसको निमोनिया नहीं हुआ। इसकी अगर कल्चर किया टिश्यू लेके तो इसके टिश्यू में कोई भी बैक्टीरिया, किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया ना ही आर टाइप ना ही एस टाइप प्रेजेंट था। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया डॉक्टर ग्रिफिथ ने, दोनों बैक्टीरिया को 2 और 3 आर टाइप जो ऑलरेडी बीमारी नहीं करता था और हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया जो बीमारी नहीं कर रहा था, उन दोनों को मिक्स किया और चूहे को इंजेक्शन किया, और इंजेक्शन के बाद एक बड़ा ही हैरत वाला रिजल्ट निकला कि चूहे को निमोनिया हो गया और चूहे की डेथ हो गई। अब सवाल यह था जब इस माउस के टिश्यू से सैंपल लेके कल्चर किया गया
तो उस कल्चर में आर टाइप और एस टाइप बैक्टीरिया की कॉलोनीज मिली। आर टाइप का बैक्टीरिया मिला और एस टाइप का बैक्टीरिया लाइव मिला। अब क्वेश्चन ये था कि ये जो बैक्टीरिया था एस टाइप का, जो कि हीट किल्ड था, डेड था, वो टिश्यू के अंदर कैसे जनरेट हुआ, या ये कह सकते हैं कि क्या कारण हुआ, क्या चीज ऐसी हुई कि जिससे आर टाइप का जो लाइव बैक्टीरिया था आर स्ट्रेन का, वो एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गया। इस क्वेश्चन का जवाब डॉक्टर ग्रिफिथ के पास नहीं था कि क्या ऐसा मॉलिक्यूल था, क्या ऐसा केमिकल था जिसने ट्रांसफॉर्मेशन की। इसको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट नेक्स्ट वैज्ञानिक थे तीन, जिन्होंने बायोकेमिकल जो करेक्टर था ट्रांसफॉर्मिंग मॉलिक्यूल का वो सर्च करने की कोशिश की। वैज्ञानिक थे ऑस्वाल्ड एवेरी, कॉलिन मैकलियोन एंड मैकलेन कार्टे। उन्होंने क्या किया, दे प्यूरिफाइड केमिकल्स प्रोटीन डीएनए आरएनए फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल्स टू सी विच वन कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल इनटू एस सेल। अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने ये देखा कि क्या चीज है, प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, कौन सा ऐसा केमिकल है जो आर स्ट्रेन को, आर टाइप के बैक्टीरिया को एस टाइप में कन्वर्ट कर रहा है। दे डिस्कवर्ड, उनके एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने डिस्कवर किया कि ये डीएनए है जो चेंज कर देता है आर बैक्टीरिया को एस टाइप में। जो आर बैक्टीरिया, रफ बैक्टीरिया, डिजीज नॉन कॉजिंग बैक्टीरिया को डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया बना देता है, ये केवल डीएनए होता है। क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो हीट किल्ड एस ट्रेन था, हीट किल्ड, ये तो ये है एस ट्रेन हीट किल्ड, इसकी सेल से इसके आइसोलेट निकाले, प्रोटोप्लाज्म निकाला। और क्या किया, प्रोटोप्लाज्म निकालेंगे मान लो तो प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकती है, प्रोटीन हो सकता है, पॉलीसेक्राइड हो सकते हैं, डीएनए हो सकता है और आरएनए हो सकता है। इसके अलावा लिपिड भी प्रेजेंट होता है। ये सारे केमिकल होते हैं जो एक सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, डीएनए, आरएनए एंड लिपिड। एंड दीज केमिकल्स विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, बट इट इज वाज़ नॉट क्लियर विच वन, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, डीएनए, आरएनए और लिपिड, विच वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर कि जो पॉलीसेक्राइड्स थे उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, एंजाइम डाला जिससे कि पॉलीसेक्राइड सारे खत्म हो गए, और इसको जो बैक्टीरिया था आर टाइप का उसके साथ मिला के, या आर टाइप का बैक्टीरिया है उसके साथ मिला के माउस को इंजेक्ट किया, और पाया कि इंजेक्शन के बाद भी सारे जो माउस थे वो मर गए, निमोनिया उनको हो गया। तो इसका अर्थ ये था कि पॉलीसेक्राइड खत्म होने के बाद भी चूहों में ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरिया जो है आर स्ट्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और चूहों की डेथ हो रही है, तो पॉलीसेक्राइड इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सेकेंड क्या किया उन्होंने, जो लिपिड कंटेंट था उनको डिस्ट्रॉय किया, लाइपेज एंजाइम डाल के लिपिड कंटेंट खत्म हो गया, तो बाकी जो बचा उसको आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ चूहे को इंजेक्ट किया, और पाया कि सारे के सारे माउस को निमोनिया हो गया, उनकी डेथ हो गई। तो ये क्लियर होता है कि लिपिड रेस्पॉन्सिबल नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। थर्ड देखिए, आरएनए कंटेंट है, उनको आरएनएज एंजाइम लगाया, डाला इसमें आरएनएज,
आरएनएस एंजाइम डालने से सारा आरएनए कंटेंट जो था वो खत्म हो गया, तो बाकी बचे हिस्से को इस बैक्टीरिया आर टाइप बैक्टीरिया के साथ माउस को इंजेक्ट किया और उन्होंने पाया कि सारे के सारे जो माउस थे वो निमोनिया के कारण मर गए। थर्ड एक्सपेरिमेंट में देखिए, प्रोटीन कंटेंट बचा, प्रोटीन को प्रोटीएज एंजाइम डाला। प्रोटीएज, प्रोटीएज क्या करता है बच्चों, प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। प्रोटीएज एंजाइम डालने के बाद जब आर स्टेन बैक्टीरिया के इंजेक्ट किया माउस को, तो वो माउस भी निमोनिया के कारण मर गया। तो प्रोटीन भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो एक्सपेरिमेंट्स थे, उन्होंने देखा कि उन सभी के अंदर जो माउस थे उनका जब टिश्यू निकाला तो उसमें लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मिला। आर स्ट्रेन के साथ साथ लाइव एस स्ट्रेन मिला, इसका अर्थ ये था कि प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, लिपिड और आरएनए तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर ये रेस्पॉन्सिबल होते तो ये आर स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया था नहीं, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इन चारों को यहाँ पे प्रोटीन या जो भी डीएनए था एंजाइम डाल के डिस्ट्रॉय कर दिया। लास्ट एक्सपेरिमेंट में बच्चों उन्होंने देखो क्या किया कि जो डीएनए कंटेंट था वो डीएनए कंटेंट डीएनए एंजाइम डाला और डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया। डीएनए को डिस्ट्रॉय करने के बाद जब इस आर टाइप बैक्टीरिया के साथ माउस को इंजेक्ट किया तो सभी के सभी माउस जो थे वो लाइव थे, कोई भी माउस निमोनिया से नहीं मरा। मतलब डीएनए ही रेस्पॉन्सिबल था ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, डीएनए ही ट्रांसफॉर्म कर रहा था आर टाइप के बैक्टीरिया को एस टाइप में, नॉन वायरुलेंट को वायरुलेंट में। अपने एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने प्रूव कर दिया। बट उस समय जितने भी वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को या उनके वर्क को एक्सेप्ट नहीं किया। तब वो उनका कहना तभी भी ये था कि डीएनए अभी भी ट्रांसफॉर्मिंग एलिमेंट नहीं है या जेनेटिक मटेरियल नहीं है। 1940 तक प्रोटीन को ही ट्रांसफॉर्मेशन की रेस्पॉन्सिबल माना गया। देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट में, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, ये एक्सपेरिमेंट किया हर्से और चेज ने 1952 में, और अपने एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूव कर दिया कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रोटीन नहीं होती, वो डीएनए होता है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया देखते हैं। उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया बच्चों, वो एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरियोफेज के ऊपर, और जो बैक्टीरियोफेज होता है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटीन कंटेंट जो कि उसका कोट होता है, और दूसरा होता है जेनेटिक मटेरियल। जो एक कोट होता है ये प्रोटीन का बना होता है और इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। जो बैक्टीरियोफेज उन्होंने लिया ये था जेनेटिक मटेरियल डीएनए, केवल दो चीजें थी प्रोटीन और डीएनए। तो ये जांचना था, देखना था कि जेनेटिक मटेरियल इज आइदर प्रोटीन और डीएनए। अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया बच्चों, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया उस मीडियम के अंदर जिसके अंदर S35 आइसोटोप होता है। सल्फर 35 आइसोटोप होगा क्योंकि जो प्रोटीन होती है उसमें भी सल्फर कंटेंट होता है, तो जितना भी प्रोटीन इस बैक्टीरियोफेज के कोट में था वो सारे का सारा रेडियो लेवल हो गया सल्फर 35 के साथ, मतलब प्रोटीन उसने रेडियो लेवल कर दिया। अब इसको इन्फेक्ट कराया बैक्टीरिया को, इन्फेक्शन कराने के बाद क्या हुआ, जो भी मटेरियल था उसको ब्लेंड कराया, सेपरेट कराया। जब सेपरेट कराया तो जो भी सेल के अंदर मटेरियल गया वो सेल के अंदर होगा, जो सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाया वो मटेरियल बाहर ही रह गया। जब ये कंटेंट सेंट्रीफ्यूज किया गया तो जो बैक्टीरियल सेल्स थी वो पैलेट के रूप में नीचे रह गई,
बाकी सारा रिटर्न टेट फिल्टेट ऊपर रह गया। अगर और अपने एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने पाया कि जितना भी रेडियो एक्टिव कंटेंट था प्रोटीन में, वो सारा रेडियो एक्टिव कंटेंट किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं था, बैक्टीरियल सेल के बाहर था। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो सेल के अंदर होना चाहिए था, जबकि ये सेल के अंदर नहीं था। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि प्रोटीन इज नॉट ए जेनेटिक मटेरियल। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जो डीएनए होता है उसको लेवल कर दिया फॉस्फोरस 32 आइसोटोप से, क्योंकि डीएनए होता है उसके अंदर फॉस्फोरस होता है। इंजेक्ट कराया, सॉरी इसको इन्फेक्ट कराया बैक्टीरियल सेल को, इन्फेक्ट कराने के बाद फिर से इसको अलग अलग कर लिया, और उन्होंने पाया सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो बैक्टीरियल सेल प्लेट के अंदर थी उसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिला, जबकि जो मटेरियल बाहर था उसमें कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं था। तो ये क्लियर शो करता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वही सेल के अंदर गया, एंड दैट जेनेटिक मटेरियल वाज डीएनए नॉर प्रोटीन। तो अपने एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूव कर दिया कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है ना कि प्रोटीन। प्रॉपर्टीज ऑफ ए जेनेटिक मटेरियल, अगर कोई पदार्थ जेनेटिक मटेरियल है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फर्स्ट है इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, मींस रेप्लिकेशन। कोई भी मटेरियल अगर जेनेटिक मटेरियल है तो वो अपनी रेप्लिकेशन करे, दो कॉपी बनाए, क्योंकि जब सेल को डिवाइड होना है तो दो कॉपी रेप्लिकेशन के बाद बननी चाहिए ताकि दोनों सेल में मटेरियल पहुंचे। सेकंड है इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, जो भी केमिकली और स्ट्रक्चरली ये स्टेबल होना चाहिए। थर्ड है इट शुड बी प्रोवाइड अ स्कोप ऑफ स्लो चेंजेस, दैट इज म्यूटेशंस, इसमें म्यूटेशंस होने चाहिए ताकि इवोल्यूशन हो सके। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस या मेंडेलियन करेक्टर्स, जैसे मेंडल ने कहा उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ये एक्सप्रेस कर पाए। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला जो करेक्टर है रेप्लिकेशन का वो प्रोटीन के अंदर नहीं होता है, प्रोटीन इस करेक्टर को शो नहीं करता है। तो पहली कैटेगरी प्रोटीन की खत्म हो गई जेनेटिक मटेरियल की। सेकंड इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, तो जो प्रोटीन होता है वो स्टेबल नहीं होता है, हीट डाले तो डीजनरेट हो जाता है, तो ये उस कंडीशन को भी फिल नहीं कर रहा है। इसमें स्लो चेंजेस होने चाहिए, म्यूटेशंस होना चाहिए, तो ये दो पॉइंट्स प्रोटीन के लिए इनवैलिड हो गए, तो जेनेटिक मटेरियल बचा ही नहीं, कह ही नहीं सकते। अब देखिए, अब जेनेटिक मटेरियल दो होंगे, एक जेनेटिक मटेरियल डीएनए है और जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। क्वेश्चन ये है विच इज बेटर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए। अगर देखा जाए तो प्रिमिटिवली आरएनए वाज ए जेनेटिक मटेरियल, बट कुछ आरएनए में कमियां हैं, और वो कमियां क्या हैं। फर्स्ट अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। नंबर टू, आरएनए एंजाइम की तरह भी वर्क करता है और उसको कहते हैं राइबोसाइम, ये भी इसको अनस्टेबल करता है या इनएक्टिव या इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। थर्ड, क्योंकि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है तो म्यूटेशंस उसमें रेगुलरली फास्ट होती रहती है। तो ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो आरएनए को एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल नहीं बनाती हैं। हालांकि कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, बट ड्यूरिंग इवोल्यूशंस कुछ चेंजेस आरएनए में हुए और केमिकल चेंजेस ने डीएनए का इवोल्यूशन किया, जो कि आरएनए से बेटर जेनेटिक मटेरियल था। अब डीएनए के ऊपर स्टडी करते हैं, ये कंफर्म हो गया कि जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए होता है। अब डीएनए किसका बना होता है, डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ, ये एक बड़ा पॉलीमर होता है
डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमर मतलब बहुत सारी यूनिट जुट के डीएनए बनता है, और यूनिट किसकी होती है, वो न्यूक्लियोटाइड्स की, न्यूक्लियोटाइड्स की यूनिट्स मिलके डीएनए बनाती हैं। सेकंड देखते हैं, द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जितने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड होंगे उतनी ही डीएनए की लेंथ भी होगी। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ये बैक्टीरियोफेज होता है Psi-174, इसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्डा, इसके अंदर 48502 बेस पेयर्स का होता है डीएनए। ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसके अंदर 4.6×10^6 बेस पेयर होते हैं। और ह्यूमन की हैप्लॉइड सेल्स होती है, उसके अंदर 3.3×10^9 बेस पेयर्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड का पेयर होता है। इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हमने देखा डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, काफी सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो एक चेन बनाते हैं जिसे पॉली न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो न्यूक्लियोटाइड बना होता है तीन पार्ट से, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। न्यूक्लियोटाइड के तीन पार्ट होते हैं, नंबर एक नाइट्रोजन बेस होता है, शुगर होती है पेंटोज शुगर, एंड फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये तीनों मिलके नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए, नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, दे आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, पायरिमिडीन एंड प्यूरिन्स। प्यूरिन्स होते हैं डबल रिंग कंपाउंड, पायरिमिडीन्स आर सिंगल रिंग कंपाउंड। पायरिमिडीन में साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन होता है, जबकि प्यूरिन्स में होता है गुआनाइन और एडिनाइन। ठीक है, अब बच्चों, जो यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है ये केवल आरएनए के अंदर होता है, जबकि थायमिन होता है डीएनए के अंदर। सेकेंड इज शुगर, 5 कार्बन की शुगर होती है, एंड 5 कार्बन शुगर इज कॉल्ड राइबोज इन आरएनए, वाइल डीऑक्सीराइबोज इन डीएनए। शुगर इज ऑफ टू टाइप्स, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। सेकेंड कार्बन पर देखिए OH ग्रुप लग रहा है, राइबो शुगर होगी, एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया, H केवल है, तो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, और ये डीऑक्सीराइबोज होती है डीएनए के अंदर, तभी उसका नाम भी है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखते हैं, जो ये तीनों कंटेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन बेस और शुगर, ये यहाँ पे एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, बॉन्ड होता है जिससे जुड़े होते हैं, और उस बॉन्ड, ये बॉन्ड है जिससे जुड़े हुए हैं, इस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसाइडिक एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। दिस इज द बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन बेस एंड शुगर, इट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या लिंकेज। सेकेंड, जो बॉन्ड फॉस्फेट और पेंटो शुगर के बीच में होता है उसे कहते हैं फॉस्फो एस्टर लिंकेज, दिस इज फॉस्फो एस्टर लिंकेज। ठीक है बच्चों, तो ये बॉन्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन बेस एंड पेंटो शुगर, सेकेंड इज फॉस्फो एस्टर लिंकेज, दिस इज बिटवीन फॉस्फेट एंड दिस राइबो शुगर। न्यूक्लियोटाइड पढ़ने के बाद हम जानते हैं न्यूक्लियोसाइड के बारे में कि न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। अगर न्यूक्लियोटाइड में से इस फॉस्फेट को निकाल दिया जाए तो केवल नाइट्रोजन बेस और शुगर बचेगी, ये दोनों न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं। न्यूक्लियोसाइड में क्या चीज़ आती है, केवल नाइट्रोजन बेस होता है और पेंटोज शुगर होती है, वो कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। देखिए आरएनए है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर डीएनए की शुगर दिखा रखी है डीऑक्सीराइबोज, ये राइबोज शुगर है। फर्स्ट कार्बन पे मैं एडिनाइन ग्रुप जोड़ देता हूँ और यहाँ पे एडिनाइन जोड़ देता हूँ, ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। इसका नाम होगा बच्चों पेंटोज शुगर है, एडिनाइन नाइट्रोजन बेस है, एडिनोसिन। न्यूक्लियोसाइड जो बना, न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा एडिनोसिन, जबकि
ये जो न्यूक्लियोसाइड होगा इसका नाम होगा डीऑक्सीराइबो एडिसोन एडिनोसिन, क्योंकि इसमें शुगर है वो डीऑक्सीराइबो शुगर है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोसाइड भी हो गया, एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड का आपने स्ट्रक्चर देखा। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड की चेन बनती है जिसे कहा जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, क्योंकि डीएनए किसका बना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना है, बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाती हैं, उसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन में क्या होता है, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की यूनिट जुड़ी हुई है। अगर मैं इसको नंबर दूं तो आप ये देखो इतने न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट। इस चेन के अंदर पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट फॉर्म द बैकबोन, बैकबोन इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट एंड शुगर, वाइल द नाइट्रोजन बेसिस आर प्रोजेक्टेड आउटसाइड, नाइट्रोजन बेस साइड में लगे होते हैं। अब एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो फॉर्मेशन होती है बॉन्ड की, इसे कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज या बॉन्ड, दिस इज द बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड विच इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज और बॉन्ड। जो ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन, क्योंकि इसमें अगर आप यहां सेकेंड कार्बन देखोगे तो शुगर जो लगी है वो डीऑक्सीराइबो शुगर है, और यहाँ पे नाइट्रोजन बेस देखोगे थायमिन लगा हुआ है, तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन किसके लिए होगी, डीएनए के लिए है। अगर आरएनए की बात करेंगे तो केवल अंतर ये होगा कि यहाँ पे राइबो शुगर होगी और जहाँ पे थायमिन बेस है उसकी जगह कौन सा बेस होगा, यूरेसिल बेस लगा होगा। बाकी न्यूक्लियोटाइड की चेन आरएनए के लिए भी ऐसी ही होगी। अब देखते हैं बच्चे डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन के बारे में जान लिया, तो मॉडल जो डीएनए का था वो कैसा था। 1953 मॉडल दिया वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने, ये मॉडल को हम कैसे हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, 1953 में दिया। उन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स के रूप में होता है, पर जो उनका स्ट्रक्चर था वो किसके ऊपर बेस्ड था, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा ऑफ विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। उससे पहले वॉटसन और क्रिक से पहले विल्किंस और फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा इसका देखा, डीएनए का स्ट्रक्चर देखा, और सेकंड बेस था चारगाफ बेस पेयरिंग रूल। चारगाफ ने बताया कि जो नाइट्रोजन बेस होता है उनके बीच में पेयरिंग होती है, प्यूरिन जो होते हैं प्यूरिन नाइट्रोजन बेस वो पेयर करते हैं पायरिमिडीन के साथ, देयर इज अ पेयरिंग बिटवीन प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। चारगाफ हैज टोल्ड एडेनाइन फॉर्म्स डबल हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमिन एंड गुआनिन फॉर्म थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद साइटोसिन। तो चारगाफ ने बताया कि बेस पेयरिंग जो होती है एडेनाइन और थायमिन के बीच में होती है दो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और गुआनिन और साइटोसिन के बाद बीच में होती है तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो जितने प्यूरिन होंगे डीएनए के अंदर उतने ही पायरिमिडीन भी होंगे। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है बच्चों कि डीएनए कंटेंट जो है उसके अंदर 20% जो पार्ट है वो साइटोसिन है, 20% इज साइटोसिन। तो पूछा गया था एडिनोसिन कितना होगा, परसेंटेज ऑफ एडिनोसिन, तो ये निकालने के लिए देखिए 20% साइटोसिन है, तो साइटोसिन के साथ क्या होता है, जितना साइटोसिन होगा उतना ही गुआनोसिन भी होगा, ये भी जी भी कितना होगा 20%। ठीक है जी, 20% और 20% दोनों मिले ये हो गया 40%, तो 40% जी और सी है, तो 100 में से कितना बचा 60%, और वो 60% क्या होंगे, ए और टी होंगे, ए और टी दोनों समान होते हैं बराबर होंगे, तो 60 में से आधा कर दीजिए 30% जो होंगे बच्चों वो ए होगा और 30% ही जो होगा वो टी होगा। तो इससे प्रूव होता है कि भाई जो कंटेंट होता है प्यूरिन और पायरिमिडीन का उनका रेशियो बराबर होता है। अब बात कर लेते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए का जो स्ट्रक्चर था वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन आपस में
बॉन्ड करती हैं, जुड़ती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ, जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जो कि नाइट्रोजन बेसिस के बीच में लग रहे हैं उससे ये जुड़ रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घर में लैडर होती है, लैडर के दो हिस्से होते हैं और बीच में जो डंडे लगे होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं नाइट्रोजन बेसिस को, जबकि ये बैकबोन जो होती है ये बैकबोन बनी होती है प्यारे बच्चों शुगर और फॉस्फेट की। एक चीज यहां पे देखने की ये है कि जहां पर ये फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है वहां 5' फ्री होता है, तो ये अगर पोलरिटी की बात करें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की तो जो पोलरिटी होती है उसकी एक 5' होगा और दूसरा डैश 3' होगा, क्योंकि यहां पे देखो 5' जो फॉस्फेट है वो 5 कार्बन पे फ्री है, ये 5' कहलाता है, और तो जो थर्ड कार्बन होता है उस पर OH ग्रुप लगा होता है, ऑक्सीजन लगा होता है यहां पे OH ग्रुप, और ये जो कहलाता है ये 3' कहलाता है। तो DNA की दो न्यूक्लियोटाइड की चेन, एक 5' एंड दूसरी 3'। दूसरी चेन जो होगी बच्चों ये इसके एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होती है, अगर इसका यहाँ 5' है तो इसका यहाँ पे 3' होगा और दूसरा डैश होगा इसका 5'। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बोथ चेन्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, वन थिंग। सेकेंड इज ये DNA का जो स्ट्रक्चर है इसमें मेजर ग्रूव दिखा रखे आपको, ये माइनर ग्रूव कहलाते हैं, और एक स्पाइरल जो होता है यहां से लेके यहां तक एक जो स्पाइरल है उसकी जो डिस्टेंस होती है वो 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रम भी इसको कहा जाता है, और एक स्पाइरल के अंदर 10 नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो स्ट्रक्चर में लेंथ 3.4 नैनोमीटर होगी एक स्पाइरल की, और जिसका डायमीटर होता है वो डायमीटर होता है 2 नैनोमीटर। टू चेन्स होती हैं, दी बोथ वन इज 3' अदर इज 5' एंड सेकेंड चेन इज एंटी पैरेलल 5' एंड इट इज 3'। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ DNA। अब साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या फीचर्स थे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के वो देखते हैं बच्चों। इट कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है इनमें शुगर और फॉस्फेट से बैकबोन बनती है, जबकि नाइट्रोजन बेसिस साइड में प्रोजेक्टेड होते हैं। सेकेंड इज द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैव एंटी पैरेलल पोलरिटी, दैट इज इफ वन स्ट्रैंड इज 5' to 3' पोलरिटी अदर विल बी 3' to 5' पोलरिटी। द बेसिस ऑफ द अपोजिट स्ट्रैंड आर कनेक्टेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये बताया कि जो स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और एडिनाइन जो होगा वो हमेशा बॉन्ड फॉर्म करेगा थायमिन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, गुआनिन होगा वो साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। नेक्स्ट है द टू स्ट्रैंड्स कॉइल इन ए राइट हैंडेड फैशन, ईच स्ट्रैंड ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रम, कंसिस्ट ऑफ 10 न्यूक्लियोटाइड्स, एक हेलिक्स में बच्चों 10 न्यूक्लियोटाइड्स में जुड़े होते हैं, और एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड की दूरी होती है 0.34 नैनोमीटर। सेकेंड इज द हेलिक्स इज स्टेबल बिकॉज बेस पेयर्स दैट स्टैक ओवर वन अनदर हैव हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। ये सारे के सारे करेक्टर्स फीचर्स थे डबल हेलिकल मॉडल के। अब देखते हैं हम सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा क्या होता है, ये दिया गया फ्रांसिस क्रिक के द्वारा 1957 में, और ये क्या होता है, ये एक इंफॉर्मेशन होती है कि कैसे डीएनए बना देता है, उसको रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए से आरएनए बन जाता है ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, आरएनए से अगर दोबारा डीएनए बन जाए इस प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए अगर प्रोटीन बना देता है इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये स्टेप्स हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें इन स्टेप्स के बारे में हम अच्छे से जानकारी लेंगे। पैकेजिंग ऑफ डीएनए,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमने अभी डीएनए का स्ट्रक्चर देखा, अगर एक मैमेलियन सेल की मैं बात करता हूं तो 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं डीएनए के, और एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो होती है 3.4 × 10⁻¹⁰ एंगस्ट्रम कह लो उसको, या −10 कह लो. एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की दूरी, एक बेस पेयर ये, दूसरा ये है, तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 3.4 × 10⁻¹⁰. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आता है 2.2 मीटर. मीन्स डीएनए टोटल लेंथ इज 2.2 मीटर. अब आप सोचिए कि 2.2 मीटर लंबा डीएनए है, अगर मैं डायमीटर की बात करता हूँ सेल की, तो उसका डायमीटर, सॉरी न्यूक्लियस की, वो होता है 10⁻⁶. 10⁻⁶ मीटर न्यूक्लियस डायमीटर होता है. आप सोचिए 2.2 मीटर लंबा डीएनए इस न्यूक्लियस के अंदर कैसे फिट होता है. हम अपनी आंखों से सेल को नहीं देख पाते, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और भी छोटा होता है, उसको भी नहीं देख पाते. तो सवाल ये है कि इतना लंबा जो डीएनए होता है वो इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर कैसे फिट होता है, उसकी पैकेजिंग कैसे होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं. तो जो पैकेजिंग स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम के रूप में पैक होता है. और न्यूक्लियोसोम क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोसोम होता है एक 8 ऑक्टामर. ऑक्टामर होता है, 8 प्रोटीन इसमें होती हैं. और वो प्रोटीन कौन कौन सी हैं? H2A, H2B, H3 एंड H4. ये प्रोटीन है H2A, H2B, H3 एंड H4. और ये प्रोटीन होती हैं, यहाँ भी देख पा रहे हैं, देख लें आप, H2A. ये दो प्रोटीन होते हैं, दो प्रोटीन ये और दो प्रोटीन ये, डबल डबल होती हैं. तो 4 प्रोटीन है, डबल होती हैं, तो कुल प्रोटीन, टोटल प्रोटीन होगी 8. और ये एक साथ जुड़ के रहती हैं, जैसे कहते हैं ऑक्टामर. और इस ऑक्टामर के ऊपर डीएनए जो होता है वो रैप्ड होता है, चारों ओर से घिरा होता है ये ऑक्टामर इस डीएनए के साथ. तो ये स्ट्रक्चर जो हुआ, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोसोम. इसमें एक प्रोटीन होती है H1 जो लिंक करने का काम करती है दो न्यूक्लियोसोम को, और डीएनए जो इसके बीच का होता है वो कहलाता है लिंकर डीएनए. और एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर बच्चों 200 बेस पेयर डीएनए इज रैप्ड. 200 बेस पेयर का डीएनए इसके ऊपर रैप्ड रहता है. अब देखिए, जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ये इनका करेक्टर होता है बेसिक नेचर. बेसिक नेचर क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर जो एमिनो एसिड होती हैं वो होती हैं आर्जिनाइन और लाइसिन. और ये दोनों एमिनो एसिड ऐसी हैं जिनका करैक्टर होता है बेसिक. इनकी वजह से ये बेसिक हो गया. दूसरा, इसके ऊपर चार्ज होता है प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. और डीएनए की बात करें वो बिल्कुल अपोजिट होता है. डीएनए पर चार्ज नेगेटिव होता है और एसिडिक करैक्टर होता है. तो दोनों एंटागोनिस्टिक करैक्टर्स हैं, अपोजिट करैक्टर हैं, इसलिए इनकी बाइंडिंग इतनी टाइट होती है. डीएनए लिपटा होता है इतनी टाइटली इन प्रोटीन के ऑक्टामर के ऊपर कि जो स्ट्रक्चर है 2.2 मीटर लंबा वो रैप्ड हो जाता है, छोटा हो जाता है. देखिए, ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है डीएनए. डीएनए ऑक्टामर प्रोटीन का न्यूक्लियोसोम के साथ रैप्ड है, फिर और फर्दर कंडेंस हुआ, कंडेंस होके क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर बन गया, और वो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर सेल के अंदर फिट होता है. नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें बेटा, एक आता है यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है. अगर न्यूक्लियोसोम्स के बीच डिस्टेंस ज्यादा होती है, लूज होते हैं, वो पोर्शन कहलाता है यूक्रोमेटिन. अगर न्यूक्लियोसोम पास पास होते हैं वो स्ट्रक्चर कहलाता है हेट्रोक्रोमेटिन. यूक्रोमेटिन जो पोर्शन होता है वो काफी एक्टिव पोर्शन होता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन पोर्शन काफी इनएक्टिव होता है. अगर स्टेन करें तो ये लाइट स्टेन आता है और ये डार्क स्टेन आता है. तो बच्चों, इस लेक्चर में हमने पढ़ा, होपफुली आपके सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी. नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. थैंक यू.